सो सब गाइस कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गेम। तो गाइस हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार मैकेनिक सिमुलेटर 2021। तो फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूं दोबारा से अपने उसी वर्कशॉप में। तो लास्ट टाइम पे मैंने गाइस एक कस्टमर को पिक तो किया था, लेकिन उसको मैंने सेटिस्फाइड करके भेजा था। तो आज मैं देखता हूँ कितने बंदे अभी वेट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे जो बंदा एक छोटा था, तो वो अभी तक यार वेट कर रहा है, क्योंकि एक बंदे का मैंने तो काम कर दिया था, लेकिन अब यार लोग ऐसा ऐसा आ रहे हैं और लोगों को पता नहीं है। अगर मैं डेढ़ एक या दो मिनट और इसका ऑर्डर मतलब कि पिक नहीं करता, तो उसके बाद ये बंदा भी भाग जाएगा। तो अभी तो मुझे कस्टमर्स की ज़रूरत है। ठीक है भाई, इस गाड़ी को मैं बुलवा लेता हूँ। तो फाइनली गाइस गाड़ी आ चुकी है मेरे वर्कशॉप में। देखो भाई, वहाँ पे तो वाइट कलर की नज़र आ रही थी और यहाँ पे ग्रीन कलर की, ये क्या चक्कर है भाई। बट गाड़ी सेम है। मुझे लगता है कि शायद से इस गाड़ी की जो पिक्चर थी ना, वो काफ़ी पुरानी थी। तो मैं पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेता हूँ, क्या क्या मुझे इसकी मेंटेनेंस करनी है। इसकी जो बुक है उस हिसाब में तो भाई डिस्क ब्रेक चेंज करनी है, और अभी चेंज नहीं करनी, सिर्फ डिस्क ब्रेक का बता रहा है बंदा जो उसको लगता है। यार सारे ब्रेक डिस्क चल, अच्छा अच्छा ठीक है भाई। मतलब इसके चारों टायरों में सिर्फ ब्रेकों का मसला आ रहा है। ओह शिट यार, ये भी हो सकता है। कितनी मतलब कि कचरा गाड़ी है यार, इसके टायर वगैरह तो बिल्कुल फारग नज़र आ रहे हैं। देखो ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसके टायरों की साइड से। तो और बोनट खोल के चेक करता हूँ भाई, इंजन पे भी काफ़ी मतलब के जंग वगैरह लगा हुआ है यार, और इसके जो मतलब के रिम वगैरह ना काफ़ी गंदे नज़र आ रहे हैं यार। चलो ठीक है, हमें तो अपना काम करना है गाइस। तो मैं इस गाड़ी को उठा के अपना लिफ्ट पर लगा देता हूँ भाई। चल ले जा भाई लिफ्ट पर लगा, इसका मैं भी काम कर देता हूँ। फिलहाल तो उस बंदे को सिर्फ ब्रेक सर्विस चाहिए और कुछ नहीं है इस गाड़ी में, सिर्फ ब्रेक सर्विस करने हैं और उसके बाद मुझे इस गाड़ी को बेच देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मतलब लिफ्ट वगैरह लगा के, उसके बाद एक एक करके मैं इसका टायर खोलने वाला हूँ और उसको चेक करूँगा, कोई चीज़ चेंज करने का चेंज करूँगा, वरना फिर मैं उसे रिपेयर करके दोबारा लगा दूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसका टायर खोलना है गाइस। तो जल्दी से मैं इसका टायर खोल लेता हूँ यार। इसका टायर कोई भी गाड़ी में टायर खोलना पड़ता है मुझे। चल गई, ये उतार लेता हूँ। और इसकी क्या कंडीशन है भाई, 1% सिर्फ मुझे ना, यही वो डिस्क ब्रेक है मतलब कि जो ब्रेक का तवा होता है ना, तवा बोलते हैं वैसे, तो यही मुझे चेंज करना है। चल भाई ये उतार लेता हूँ। ठीक है, उसके पहले ना मुझे भाई इसका क्लिपर उतारना पड़ेगा। पहले तो इसका क्लिपर खोल लेता हूँ। क्लिपर उतार इसका, उसके बाद मैं इसका यार इसकी ये जो ब्रेक है ये भी ठीक ही है, गाड़ी मुझे सही लग रहा है। सिर्फ जो कंडीशन ख़राब है ना सबसे ज़्यादा ब्रेक। ठीक है भाई, मैंने इसका सब कुछ उतार लिया। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ, इसका जो इन्वेंट्री है ना वो देखता हूँ क्या क्या चीज़ की ख़राब नज़र आ रही थी वहाँ पे। यार डिस्क भी ठीक है, सिर्फ इसकी जो कंडीशन है ना ब्रेक डिस्क वाली, मतलब वो इसका तवे का ही मसला है। मैं इसका तवा ही ख़रीद लेता हूँ, तो उसके बाद इसको दोबारा से फिट करके चेक करता हूँ कि वो जो फॉल्ट आ रहा है वो क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ। अभी इसका ब्रेक वाली साइड पर चलता हूँ यार। यहाँ पर दो तवे नज़र आ रहे हैं, ये है शायद से वैली, इसी को $100 का भाई दे रहा है ये बंदा। ठीक है, एक पीस खरीद लेता हूँ वक्ती तौर पे। पहले मैं टेस्ट करता हूँ ना लगा के गाइस, क्या इसी का मसला आ रहा है या किसी और चीज़ का है भाई। दोबारा फिक्स करके देखता हूँ इसको। चल भाई लगा दे जल्दी जल्दी नया कबाब। पहले वाले की तो ऐसी तैसी हो रखी है यार, वहाँ पर उसकी जो कंडीशन देखने की है नहीं है। तो इसके जो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये लगा देता हूँ। और ब्रेक क्लिपर, क्लिपर भी ठीक है, सही लगा दो इसको। और इसका टायर फिट करके देखता हूँ, जो मतलब ये बंदा मुझे बता रहा था फॉल्ट का कि इसका ये फॉल्ट आ रहा है, वो फॉल्ट क्लियर हुआ है या नहीं, अगर क्लियर हो गया तो मैं जल्दी जल्दी दूसरे टायर भी खोलूँगा, तो उनको भी वैसे ही फिक्स करूँगा। तो फिलहाल तो मैंने एक जो इसका फिलहाल जो फॉल्ट आ रहा था जो इस बंदे ने गाइस मुझे बताया है, ओ वाओ नाइस यार, जो मतलब कि जो इसके तवे का मसला आ रहा था डिस्क का, ब्रेक डिस्क का, तो वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अभी मुझे जल्दी जल्दी दूसरे टायर भी वैसे ही, ये क्या यार, इसमें मुझे लगता है वही चीज़ है, इसकी भी वही मतलब तवा ही गंदा नज़र आ रहा है यार। क्या यार, इसको टायर को सिलेक्ट करना चाहिए मुझे लगता है। क्या हो गया भाई इसको, मैंने ना वैसे ही
का टायर खोल लेता है, 16 नंबर टायर लगा रखा है गाड़ी का। टायर की कंडीशन फिलहाल नॉर्मल है, वेल तो नहीं कह सकता इसकी, भाई वही मसला है इसका भी 16% है, बाकी चीज़ें तो ठीक नहीं है। इसका मैं जो स्लीपर खोल के पैड वगैरह उतार लेता हूँ, पैड ठीक है यार, पैड भी ठीक है, सिर्फ इसका जो मसला है ना सिर्फ इस तवे का ही है, तवा उतारना पड़ेगा। चलता हूँ दोबारा अपने कंप्यूटर के पास और जल्दी जल्दी यहाँ से एक नया तवा ले लेता हूँ, उसको तवे का चेक करता हूँ गाइस इन्वेंटरी में जाके, क्या तवा सेम टू सेम चाहिए क्या। वैसे हेड तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है गाइस, ब्रेक डिस्क और ये क्या है जी, ब्रेक डिस्क वैलिडेटेड, ये क्या भाई दोनों चेंज है यार, ये सिर्फ ब्रेक डिस्क है और दूसरी ठीक है मैं समझ गया हूँ वो चेंज है वैसे गाइस। और यहाँ पे था ये वाला साथ में $70 का दे रहा हूँ, खरीद लेता हूँ। अगर मैं एक एक पार्ट गाइस उसका सीरियल नंबर या उसका नाम वगैरह मैच नहीं करता तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वो वाला हिस्सा भाई दोबारा से फिक्स भी नहीं होगा और मेरे लिए वैसे भी कोई काम का नहीं है। मैं ये लगा देता हूँ और शायद से मुझे लगता है कि इसकी जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सेम टू सेम ही, इतना लंबा चौड़ा काम ही है, सिर्फ मुझे काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई, एक एक चीज़ को दोबारा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइस। तो वैसे भी कार मैकेनिक में अगर मैं इसमें कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक कर देता हूँ तो उसके बाद मतलब कुछ भी आगे आ जाएगा तो मुझे गाड़ी ठीक है भाई। ये टायर भी मैंने क्लियर कर दिया और मुझे लगता है कि सबका यही मसला है भाई, वही डिस्क खोलनी पड़ेगी। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी मैं डिस्क वगैरह खोल के चेंज कर देता हूँ, ठीक है इसका टायर अगर नाम आ जाता है या उसका ब्रांड का कुछ ना कुछ ऐसी वैसी मुझे चीज़ शो कर देता है कि मुझे ना काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ पर लगेगी। इसका ब्रेक पैड, इस गाड़ी के सिर्फ ब्रेकों का काम होने वाला है और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है इसका भी खोल लेता हूँ यार। अभी मुझे लगता है कि अगली साइड का और होना चाहिए, अगली साइड पर हो जाएगा तो वहाँ पर ले तो एक ही डिफेंट बता रहा था, बाकी सब एक ही जैसा था गाइस। तो इसका ब्रेक लिफ्ट उतार लेता हूँ, ठीक है और इसी के साथ ही मैं इसका खोल देता हूँ। और इसके तवे की कंडीशन कुछ खास बता नहीं रहा अभी, ठीक है एटमोल्ड स्क्रेक वैलिड, हाँ ठीक है भाई दो हो, ये भी वैलिडेड वाला है, अगला जो मतलब कि दूसरा और पिछला दूसरा है, दोनों मॉडल चेंज है भाई। एक पीस मुझे ये ख़रीदना पड़ेगा $100 वाला और दो पीस मुझे ख़रीदने हैं $70 वाले। ओ, दो क्यों खरीदने भाई, एक तो मैं ऑलरेडी पीछे लगा चुका हूँ। ओह शिट यार ये क्या किया मैंने, यार मेरे जहन में यही है गाइस कि मैंने ना सिर्फ पीछे दोनों साइडों का लगाना है, वैसे मैं एक साइड तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ पीछे की। चलो कोई नहीं, खैर है भाई अभी ये वैसे मेरे पास पड़ा रहेगा, जब कोई गाड़ी वगैरह आएगी तो फिर मुझे मतलब कि ये स्पेयर पार्ट लगाना पड़ेगा वहाँ पर। यार मैंने क्या कर दिया, चलो थोड़ी सी जल्दबाजी की और अपना ये $70 का नुकसान करवा लिया यार, कोई हाल नहीं। और शायद से मुझे इतनी टिप वगैरह भी ना मिले जितना मैं अपना मतलब काम कर लगा देता हूँ उसके ऊपर, बाकी बाद में मैं जो स्क्रैप है ना गाइस मतलब जो गाड़ियों से मिलता है वो भी बेच सकता हूँ और उसका भी मुझे खासा पैसा मिलता है। ये बात नहीं है कि मैं मतलब कि सिर्फ ये काम कर रहा हूँ स्क्रैप इन गाड़ी वालों को देख, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं भाई काम करता हूँ तो उसका स्क्रैप भी मैं बेच सकता हूँ और मुझे वो काफ़ी प्रॉफिट आएगा, मुझे काफ़ी प्रॉफिट तो आएगा। अभी इसका पैड, ओ नो यार इसका मुझे पैड की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है गाइस इसके, उतारना पड़ेगा इसका पैड कितना है भाई, 19% बता रहा है यार उसका पैड कंडीशन, पैड फिलहाल ना इसका मैंने तवा नहीं लगाया। और अभी मुझे ना पहले इसकी लिस्ट चेक करनी है कि लिस्ट के अंदर पैड था उसने मुझे बताया है या नहीं बताया, ब्रेक पैड, ओ यार मैंने दो जगह पे गलती की है इस और सेम टू सेम एक ही जगह पे,
लास्ट पिछली पिछले जो टायर का था वो ब्रेक डिस्क मैं 2 मरतबा खरीद चुका हूँ। अगली जो टायर है इस साइड का, उसका मुझे ब्रेक डिस्क नहीं ब्रेक पैड खरीदना था, और जिसकी वजह से भाई मैं जल्दबाजी में मैं उसकी भी सेम टू सेम डिस्क खरीदी। अभी 2 डिस्क मेरे पास ज़्यादा हो चुका है और उसके मुझे खुद से पैसे पे करने पड़ेंगे यार। ये मतलब कि थोड़ी सा बकवास काम है, और थोड़ी सी भी जल्दबाजी करोगे ना गाइस यही सेम टू सेम काम होगा। दोबारा से मुझे कंप्यूटर के पास जाना पड़ेगा और फिर से वही ब्रेक डिस्क ये पड़े हैं भाई, डिस्क पैड तो एक पीस ले लेता हूँ। फिट यार अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसा ऐसा मेरे पास सामान लगाना शुरू हो गए और इसको लगाना शुरू कर देता हूँ भाई। जो इसके पुराने वालों की कंडीशन है भाई 19% थी, और इसका तवा 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 यार दोबारा गलती कर रहा हूँ इसका, मुझे ना तवा दोबारा से खोल के ना ये वाला ब्रेक ना ये दोबारा से खोलना पड़ेगा, इसका पुराना ही लगाना है गाइस मुझे ना। तो पुराने वाले की कंडीशन 64% है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, और बंदे ने ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट भी वैसे भी मुझे नहीं था, सिर्फ उसने बोला था कि ब्रेक पैड चेंज करने हैं और मैंने इसका ब्रेक डिस्क चेंज कर दिया। शुक्रिया अच्छा खासा चूना लगा दिया, और पिछली मतलब पिछले टायर से लिया था वो वहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा बाय कर लिया था गाइस, तो इस पर भी वही काम किया मैंने। और इसी चबल तो मारिए यार कोई नहीं कह रहा, और आज दूसरा दिन था, मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया हूँ गाड़ी के काम में, लेकिन फिर भी भाई चूना लग जाता है, क्योंकि कार मैकेनिक में भाई यही सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जितना भी बंदा चलाक बन जाए वो सिर्फ उसके स्पेयर पार्ट में आके गड़बड़ कर ही देता है। तो अभी मैं इसकी कंडीशन चेक कर लेता हूँ, जो जो इस बंदे ने रिक्वायरमेंट की थी वो बिल्कुल ए टू जेड क्लियर हो चुकी है, और अभी मैं फ़िलहाल गाड़ी को उतारता हूँ नीचे और इसको ले चलता हूँ टेस्ट ड्राइव के लिए। ठीक है सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से निकाल के अपने शटर के पास ले जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा काम किया है, लेकिन फिर भी भाई बंदा थोड़ा सा तो मतलब कहीं ना कहीं पे मिस्टेक वैसे भी कर ही देता है। अभी मुझे ना इसका इंजन स्टार्ट करके साउंड वगैरह चेक कर लेता हूँ, तो गाड़ी स्टार्ट हो ही रही नहीं हो रही, समटाइम ये होता है वो फाइनली भाई स्टार्ट हो गई है। समटाइम गाइस ये होता है ना कि बंदा गाड़ी तो ठीक ठाक लेके आता है, काम कुछ और कर रहा होता है और मसला कुछ और बन जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और अभी मैं ले चलता हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव, पहले तो कहाँ पर लेके जाऊँगी, ऑफ रोड ट्रैक नहीं यार, ऑफ रोड ट्रैक नहीं, टेस्ट ड्राइव, टेस्ट ट्रैक कार सैलून नहीं यार, मैं इसको कुछ अलग जगह पे ले देता हूँ, रेस ट्रैक की जगह। अगर मैं दूसरी जगह लेके जाता हूँ टेस्ट ड्राइव वाली जगह पे, वहाँ पे गाइस फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम पता क्या आती है कि बंदा गाड़ी तो चलाता है लेकिन फिर यार वो उसको जो मतलब वो कहेगा ना तो उसी चीज़ को मुझे फॉलो करना पड़ता है कि एस्केलेटर दो, ये करो वो करो, ब्रेक लगाओ। तो यहाँ पे सिर्फ हमने अपनी गाड़ी बनानी है, तो चलो भाई रेस थोड़ी सी स्टार्ट करता हूँ यार, कस्टमर की गाड़ी से मैं रेस लगा रहा हूँ, मेरे काम जो उस मैंने सिर्फ उसकी ब्रेकिंग वगैरह चेंज की है, और उसके बाद मैं उसी की गाड़ी को लेकर रेस ट्रैक पर आ चुका हूँ। टेस्ट जहाँ पर करते ना भाई गाड़ी का टेस्ट ड्राइव, वहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं लेके गया, सिर्फ इसको लेके आऊँ यहाँ पर चेक कर लो यार लस्ट यहाँ पे गलत है ये चीज़, मेरा कस्टमर को अगर पता चल गया तो भाई मुझे यहाँ से निकाल ही ठीक लग रहा है। ठीक है बस सही है, इतना काफ़ी है, तो वापस चलता हूँ अपनी वर्कशॉप में। तो फिलहाल गाइज मैं आ चुका हूँ दोबारा से अपनी वर्कशॉप में, और मैंने बिल्कुल गाड़ी रेडी कर दी है। वैसे मैं तो जहाँ पे टेस्ट ड्राइव करते हैं वहाँ तो नहीं लेके गया, रेस ट्रैक पे ले गया था कस्टमर की गाड़ी, और वहीं पे एक दो ड्रिफ्ट मार के चेक भी कर लिया कि भाई ब्रेक अच्छे से लग रही है नहीं लग रही। और अभी मुझे ये गाड़ी हैंड ओवर करनी है अपने कस्टमर को, और उससे अच्छा खासा पैसा भी मारना है। चल भाई बाय बाय करता हूँ अभी, क्योंकि बहुत देर हो गई है उसको, मेरे इतनी ज़्यादा देर नहीं लगी लास्ट टाइम पे गाइस, मैक्सिमम तकरीबन आधा घंटा हो गया था मुझे गाड़ी पे काम करते हुए, और उसके काफ़ी ज़्यादा मसले भी थे, ऑयल चेंज करना था और काफ़ी ज़्यादा स्पेयर पार्ट आगे पीछे करना था। लेकिन इस गाड़ी का मतलब कि थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में अपना नुकसान तो कर दिया है, लेकिन फिर भी भाई अच्छे टाइम पर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ,
और अभी जो गाइस मैंने इसके ऊपर काम किया है वो $280 का किया, और इस बंदे ने मुझे जो टिप दे रहा है ना वो $140 बनता है। फिर भी ठीक है यार, मतलब कि नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा काम नॉर्मल हो गया। चलो भाई, इसका गाड़ी मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया, और अभी फ़िलहाल दो बंदों की कॉल आ रही है, लेकिन हर रोज़ाना पर मैं एक गाड़ी करूँ तो फिर मुझे लगता है कि काम ख़राब होगा। तो अभी जल्दी से पहले चेक करता हूँ, अगर कोई छोटा कस्टमर आता है भाई ऑयल चेंज करने का तो उसको मैं साथ में लगा लेता हूँ। ओह नो यार, भाई ये क्या हो गया, रिपेयर विद मेंटेनेंस पार्ट कंडीशन। अच्छा भाई 88% तक, मतलब कि बिल्कुल न्यू कार आ रही है। और दूसरा ऊपर देखा जाए तो उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन की गाड़ी। मैं नीचे वाले को क्लिक कर देता हूँ भाई, इसका ऑर्डर ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी ऑयल चेंज होगा शायद से। जो नई गाड़ी आती है ना गाइस, तो उसमें सिर्फ यही होता है। ओह वाओ यार, ये नए मॉडल की गाड़ी लग रही है मुझे। हाँ भाई नया लग रही है ये तो। वैसे पहले मैं इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेता हूँ इस गाड़ी की। ओह शिट यार, वही काम है इसका, ब्रेक क्लिपर है, ब्रेक डिस्क है, ब्रेक पैड है। यार मैं तो समझ रहा था कि एक बंदा मुझे छोटा काम देगा और मैं जल्दी जल्दी क्लियर भी कर दूँगा। और ये वैसे भी भाई फिनिश ऑर्डर नहीं, भगाता नहीं यार, भगा मैं वैसे भगाने लगा था, अभी फ़िलहाल इसको भगाता नहीं, लगा देता हूँ जल्दी जल्दी इसका। अभी मुझे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कौन से टायर में मसला आ रहा है इसका ना, फिर उसको चेंज कर देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी मैंने गाइस नया नया काम शुरू किया। मैं नहीं चाहता कि यार काफ़ी ज़्यादा लेट दोबारा वापस जाए मेरे वर्कशॉप से, तो अभी तो वैसे मुझे कस्टमर की ज़रूरत है। कि वैसे ये तबीयत वगैरह तो बिल्कुल न्यू नज़र आ रही है, गाड़ी वैसे भी बिल्कुल नहीं हो। ओ एक तो नज़र आ गया यार बाहर से, और इसका ब्रेक क्लिपर का मसला, ठीक है मैं समझ गया भाई। जल्दी से खोल के, मतलब कि गाड़ी नया है, जो मतलब रस्ते पास है वो बाहर से ही नज़र आ रहे हैं, तो ये मुझे चेंज करना है। ये देखो ना भाई, इसका ब्रेक क्लिपर की कंडीशन बिल्कुल डाउन है भाई, 25%, और इस बंदे को ये चेंज करवाना है। सही है यार, लगा लो भाई, हम तो ब्रेक क्लिपर को चेंज करने को तैयार हैं यार। कहाँ पे, यहाँ पे भाई, इधर है जो ब्रेक क्लिपर ये है भाई, एक ब्रेक क्लिपर ले लेता हूँ और जल्दी से वहाँ पे जाके अभी मैं एक एक करके जाऊँगा, खरीदूँगा और लगाऊंगा। अगर मैं ऐसा ना कहूँ भाई, अगर एक ही दम से पार्ट्स खरीदूँ तो पिछली मरतबा की तरह मुझे चूना लग जाएगा दोबारा से, ठीक है भाई नया लगा दूँगा। तो फिलहाल एक टायर का तो मैंने काम तमाम कर दिया, उसका टायर भी फिक्स कर दिया, टायर ठीक है। वैसे गाड़ी देखा जाए तो गाइस बिल्कुल, और टायर की कंडीशन भी 110% भाई, वाओ गाइस यार, ये पहली कार देख रहे हैं इतनी नहीं है, ठीक है भाई। एक साइड का तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, अभी दूसरी साइड पर है भाई, इसका तो मुझे सामने नज़र आ रहा है कि ब्रेक पैड है और ये ब्रेक डिस्क, शायद मुझे ब्रेक डिस्क चेंज करना है, ब्रेक पैड इसका नया है, और इसकी कंडीशन 91 और ब्रेक पैड की कंडीशन क्या है 97, और ये मुझे सिर्फ दबा उतारना ब्रेक डिस्क। मुझे ये नहीं पता कि मैंने पीछे कौन सा लगाना है यार, वैसे मेरे पास पड़ा है यार पीछे वाला, ठीक है भाई ठीक है, मैंने पिछली गाड़ी में ख़रीद के रखा था एडवांस में, अब वो फिक्स करने की कोशिश करता हूँ इसको। ओ नाइस यार, मतलब कि मेरे जेन में आ गया, मैं वैसे ख़रीदने जा रहा था वहाँ पे ना, ऑर्डर करने ही वाला था कि मेरे जेन में आ गया कि मेरे पास सेम टू सेम एक ऑलरेडी मैंने पिछली गाड़ी पर ख़रीदा था। चलो भाई, मतलब पैसा पहले मैंने लगाया था वो मेरा वापस आ गया, लेकिन अभी भी अगली साइड का एक मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है भाई। अभी मैं चाहता हूँ इसको दूसरे साइड के लिए साइड कर दूँगा, क्या ही जाए। तो तीन चार फॉल्ट थे इस बंदे के, तो वो मैंने दो तो क्लियर कर दिए, अभी बाकी चेक कितने रह गए यार, दो रह गए हैं, ब्रेक पैड ठीक है भाई, ये शायद से ब्रेक पैड इन दोनों टायरों के हैं। इसका ब्रेक पैड जल्दी जल्दी टायर खोल लेते हैं, वैसे आज टाइम लग रहा है भाई इसको, शायद से मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा ना मेरी ऐसा प्रैक्टिस हो रही है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड से काम कर रहा हूँ। लास्ट टाइम पे तो भाई मुझे एक एक पार्ट्स को खोलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी मैं कंडीशन 100% है,
ठीक है गाइस, इसका तो वैसे भी कोई मसला है ही नहीं है। अगले का चेक करते हैं यार, जितनी भी चीज़ें गाइस मैं देख रहा हूँ ना इसकी, वो बिल्कुल ठीक है। और इसको ब्रेक पैड को लगा के देखा जाए तो 100% ठीक है यार। क्लिपर को लगा के देखते हैं, क्लिपर भी 95% जा रहा है यार। मैंने वैसे ही फजूल में ही खोल दिया क्या इसका टायर? टायर भी 92% वाला टायर में वो मैं चेक किया, ठीक है यार ये मैंने क्लियर कर दिया। वो ना हो जो मैंने वो वाला टायर फिक्स किया ना गाइस, उसमें भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि शायद से उसका वो मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ भाई पहले। यार एक एक चीज़ का ना मुझे दोबारा से कंडीशन चेक करना पड़ेगा, 92% और इसके ब्रेक पैड की कंडीशन क्या है 1%। तो भाई फाइनली मुझे इसका ब्रेक पैड मिल चुका है और अगला ही ब्रेक पैड मुझे चेंज करना है। कहाँ पे है ब्रेक पैड? ब्रेक पैड ये मिल गया, ब्रेक पैड खरीद लेता हूँ। चलो खरीदता हूँ आगे, शायद से मुझे लगता है जो मैंने गलती से भाई जिस उस टायर का अगले फ्रंट दूसरी साइड का जो फ्रंट टायर है वो जोड़ना तोड़ना नहीं है यार। डिसअसेंबल करने में चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती हैं लेकिन लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक एक चीज़ को दोबारा से तरतीब लगा के लगाना पड़ता है, तो इस वजह से शायद से मुझे टाइम लग रहा है यहाँ पर। इसका टायर फिक्स कर देता है और उसी साइड का मसला है मुझे लग रहा है कि पिछले जो दूसरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले टायर खोला था ना गाइस वो बिल्कुल ठीक है, उसका कोई भी मसला नहीं नज़र आ रहा। अभी मैं चेक करता हूँ क्या सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं भाई अभी भी एक टायर का जो पैड है ना वो मुझे चेंज करना है, वो मुझे यकीन है कि इसी टायर का है यार। मैंने इसका सिर्फ तवा, अगर तवा ख़राब है तो यकीन है मेरे ख्याल से उसका पैड भी खराब होगा। बंदा बार बार जब ब्रेक लगाएगा ना तो पैड उसका ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा यार। इसका क्लिपर उतार लेते हैं एक मरतबा, उसके बाद इसका मुझे पता चलेगा कि पैड की क्या कंडीशन है गाइस। तो क्लिपर तो बिल्कुल ठीक है और पैड 12%, ठीक है भाई एक और पैड खरीद लेते हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना तो गाइस मैं पहले इसका पैड वगैरह खरीद के आराम से लगा लेता। इतना ज़्यादा टाइम वैसे लग नहीं रहा और लगना भी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी दोबारा से इसकी चीज़ें लगाते हैं। पहले तो इसके ब्रेक पैड लगाता हूँ नए वाले और उसके बाद इसका क्लिपर और उसके बाद इसका टायर। यार काफ़ी हद तक मैं मैकेनिक बन चुका हूँ लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर लेता हूँ कभी कभी, भाई होना चाहिए वैसे मिस्टेक। अगर मिस्टेक नहीं होगी तो भाई मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। फिलहाल मिस्टेक हो रही है तो मुझे साथ साथ में पता चल रहा है कि वो काफ़ी हद तक कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह लगानी है। इसको वापस करके दोबारा अभी मैं इसके रिक्वायरमेंट चेक कर लेता हूँ। जितने भी इस बंदे ने गाइस मुझे रिक्वायरमेंट दी थी ना तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी मुझे इस गाड़ी को सिर्फ मुझे लगता है कि मुझे नहीं इसकी टेस्ट ड्राइव की ज़रूरत क्योंकि जो भी मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट है वो मैंने ऑलरेडी पूरी कर चुका हूँ। और ये भी मुझे अभी तक जो बंदा मुझे पैसे दे रहा है 225 मैं इसके ऊपर स्पेंड कर चुका हूँ जितने का मैंने सामान ख़रीदा है, और 56 ये मुझे बोनस दे रहा है और जो मतलब कि जितना मैंने इसके ऊपर काम किया उसका भी 56। यार ये थोड़े कम दे रहा है, लास्ट वाली गाड़ी ने थोड़ा ज़्यादा दिया था वो तकरीबन 70 यार। उसका मैंने टेस्ट ड्राइव भी लिया था और अगर मैं इसका टेस्ट ड्राइव लेके चेक करूँ अगर ये टेस्ट ड्राइव के बाद ये बंदा थोड़े से पैसे ज़्यादा करता है या नहीं करता एक बार तो मुझे ना ये कर लेना चाहिए गाइस। इसको मैं नीचे उतार दूँ गाड़ी को, नीचे उतार के एक मरतबा इसकी पहले तो मैंने देख लिया कि मुझे $56 मुझे दे रहा है जो मैंने इसके ऊपर काम किया और 56 ही मुझे बोनस दे रहा है। अगर ये बंदा गाइस मुझे कर देता है मतलब कि थोड़ा सा पैसा अगर टेस्ट ड्राइव लेने के बाद थोड़े पैसे बढ़ाते तो मुझे हर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ेगी भाई। अच्छा अभी चेक करते हैं कितने पैसे दे रहा है, अभी भी 56 ही है भाई, ठीक है कोई बात नहीं मैं इसको ले जाता हूँ अपने टेस्ट ड्राइव को। अरे तो उस गाड़ी के अंदर बैठना ज़्यादा वादा कुछ बोल रहा है, गाड़ी के अंदर बैठ के इसको एक मरतबा टेस्ट ट्रैक पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि उसके बाद ये बंदा मुझे पैसे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। अगर बढ़ाता है तो फिर मुझे हर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी वो 56 या 50 to 60
कुछ भी मतलब कि थोड़ी सी अमाउंट पे है तो फिर मतलब कि मज़ा नहीं आता गाइस काम करने का। चलो भाई मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, सबसे पहले तो मुझे इसका जितने पैसे देने वाला इतने की तो मैं इसको गाड़ी को बोल दूंगा भाई। भाई ये बंदा ना मेरे वर्कशॉप में अपनी गाड़ी को लेके आएगा ये मेरी ड्राइविंग है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसकी सस्पेंशन टेस्ट करिए, जंप वगैरह अच्छी खासा इसको मार दिया। अगर इसके बाद भी इस बंदे ने यार मुझे पैसे ना दिए तो फिर मतलब अगर लानत है मेरी ड्राइविंग पे यार, फिर उसके बाद मुझे फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी बंदा मतलब इतने हर नहीं मार। फाइनली गाइज मैं टेस्ट पास कर लिया, मैंने गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, अभी दोबारा उसको अपनी वर्कशॉप में लेके चलता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि भाई थोड़ा सा बंदे ने मतलब कि पॉकेट मनी हमारा बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। अगर बढ़ा दिया तो अच्छा है, नहीं बढ़ाया तो फिर जाने दो भाई, आइंदा फिर हम कोई भी उसका ठीक है भाई। इसके सारे पार्ट क्लियर हैं, अभी चेक करता हूँ 56 ही दे रहा है भाई, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ मुझे इसकी टेस्ट ड्राइविंग लेने का। चल बात कर आइंदा कोई बंदे की मुझे टेस्ट ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, उसी की जगह पे कोई ऑयल चेंज का कस्टमर पकड़ूँ वो ज़्यादा बेहतर रहेगा गाइस। तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या क्या करने को मिलता है और कौन कौन सा कस्टमर हमारा विजिट करेगा हमारी इस वाली वर्कशॉप में।